शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण औजार है। सरकार भी शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझती है, इसलिए सरकार ने 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक नीतियां बनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी हम ये पाते हैं कि 14 वर्ष तक के वे बच्चे जिन्हें विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना चाहिए, वे जगह जगह पर काम करते नजर आते हैं, अर्थात बाल श्रम, जो कि आज भी देश की एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है। आज हमारी चर्चा का विषय यही बाल श्रम है। इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमने आज कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया है। माय नेम इज उर्मिल गागरू एंड आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय JNU। आई एम विजय फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आई एम किरण सिंह फ्रॉम KV गाजियाबाद। मैं सर बाबू सिंह फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 वायुसेना हिंडन। आई एम HP यादव फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद सेकंड शिफ्ट। बाल श्रम, जो कि देश की आज भी एक ज्वलंत समस्या है, उसके बारे में उर्मिल जी आप क्या सोचते हैं? थैंक यू। आई स्ट्रांगली फील दैट दिस वर्ल्ड चाइल्ड लेबर हैज सो मेनी प्रोग्राम्स एंड सो मेनी स्कीम्स हैव कम अप रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड चाइल्ड लेबर। द गवर्नमेंट हैज बीन कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स बट नथिंग हैज बीन डन। द चिल्ड्रन आर स्टिल यूज्ड, misused and abused, and so many policies, so many things, but you still find children working in industries, the carpet industry, working in cracker factories, and nobody is paying any attention to them. It's a national shame. It's really a national shame, and I feel so strongly about it. Somehow the people, the poorer section of the society, feel that more the number of children they produce, more working hands they will have. So one thing that I feel should be done is that these people have to be educated. The awareness has to be brought. They have to be made aware that it's not the children that they have to produce, because they'll be bringing money to them, because they'll be the earning members, but they will also have so many more mouths to feed. They will not be able to educate them. So that problem they have to understand. And I feel that all of us together have to, not only the government, not only the NGOs, even the common man, and everybody has to get together to do something about it. According to Milji, children are the source of income for the poor. Aap kya sochte hain iske bare mein, Vijay ji? मैं उर्मिल जी की बातों से सहमत हूँ। सरकार ने हमारे बहुत सारे स्कीम्स इस तरह के बनाए हैं कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि हर वर्ग के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से शिक्षित हो, जिसके लिए उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील्स शुरू किया है, और साथ साथ यहाँ तक कि लाडली स्कीम है बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए खास कर फ्री एजुकेशन दिया है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ था कि चेन्नई में स्कूलों में पढ़ने के लिए अगर कोई गांव से बच्चा 5-6 किलोमीटर दूर से आना चाहता है तो उसके लिए फ्री बाइसिकल्स दी गई है, ताकि हर बच्चा शिक्षित हो। लेकिन फिर भी कई बार हम ये देखते हैं कि सरकार जो नॉर्म्स बनाती है, कई जगह पर नॉर्म्स तोड़ने में भी कुछ ऐसे ही लोगों की भी बात होती है। जहाँ पर एक रीज़न कवरेज ये था कि बच्चों को गोल्फ खेलने वाले यूज़ करते हैं बॉल्स पिकअप करने के लिए, जिससे आज भी हम देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर जो है, जो प्रॉब्लम है, वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। लेकिन एक बात और है कि ये चाइल्ड लेबर वाला प्रॉब्लम जो है वो हमारे ज़्यादातर उस क्लास में देखा जा रहा है जो पॉवर्टी क्लास, जहाँ पर ये माना जाता है कि शाम को जब बच्चा पैसे घर लाता है तो ये उनके घर में चूल्हा जलता है। तो खास कर सरकार को हमें या हम समाज को ये देखना है कि हम किस तरह से इस क्लास को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, जिससे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में भेजें और ना ही कोई कमाई के लिए कहीं बाहर उनको भेजें। ये मेरा व्यू है। जैसा कि विजय जी ने कहा, बड़ी पुरानी हिंदी की एक लोकोक्ति है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, तो शायद सरकार ने भी इस बात को समझा और सरकार ने ये मिड डे मील योजना और जो
स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं आरंभ की, लेकिन इसके बावजूद भी आज अगर हम बाल श्रम को बैठ करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण समस्या आज भी बना हुआ है, तो सरकार की नीतियों में कहाँ कमी है जिसकी वजह से वे पूरी तरह सफल नहीं हो रही हैं। किरण जी, व्हाट डू यू थिंक ऑन द इश्यूज और द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर? कौशिक, आई थिंक इन माय ओपिनियन चाइल्ड लेबर इज अ कर्स ऑन सोसाइटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डू पॉइंट आउट दैट इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, बट इट सो हैपन्स in spite of article 23 pointing it out, laying it down in the constitution that children below 14 years of age would not be used as laborers, we come across many instances of children being used in tea stalls, they're working there, and then we also have examples of children working in hazardous industries such as glass factories, we have cracker factories, where you can imagine the harm they are doing to their health and their growth as well. Main problem arises that these children belong to literally the bottom of the society, living in slums, life spent in garbage heaps with no shelter on their head, a life full of starvation. There is no food even for them. So parents are just forcing these children to go and work outside. They're forced. And result is that in a way they are responsible for killing the dreams and aspirations of these children. Resulting in them getting old before time, in fact dying before time. And the only thing I can suggest is we expect government to do, but it's not so. We as society need to undertake measures, need to take steps. We have to work together to solve this problem. Unless and until we decide to eradicate this menace, it won't be solved. So making rules and laws, that won't solve the problem. We will have to work collectively together to eradicate this problem. You're absolutely right, Kiran. Actually, in the country where the 30% population is living below the poverty line, so this is the problem that the people who are living in slums, so their main worry is to get the food for two times. तो ये उनकी चिंता का मुख्य विषय रहता है, और उस स्थिति में उनको हम कहें कि आप शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल मालूम होता है। बी सिंह जी से जानना चाहेंगे कि कहाँ सरकार इसमें और सुधार कर सकती है कि जिससे इन नीतियों की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। जहाँ तक सरकार की नीतियों का निर्धारण और लागू करने का सवाल है, इसमें सरकार की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। नीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके लागू करने में, उनके क्रियान्वयन करने में जो हमारे जो मध्यस्थ जो कर्मचारी वर्ग है, वो भी उसमें कम दोषी नहीं है। जहाँ तक बाल श्रम की बात आती है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होना, उन बच्चों के भविष्य का, भविष्य से खिलवाड़ होना, उन बच्चों का आज सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास का पतन होना, ये सब सोचने का विषय है। क्योंकि यदि बच्चा बाल श्रम में ही उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो हमें नहीं लगता कि वो बच्चा, क्योंकि शिक्षा से वंचित हो जाता है, और जब बच्चा शिक्षित नहीं हो पाएगा तो देश का अच्छा नागरिक कैसे बन पाएगा? ये समाज को, देश को, देश के अच्छे नागरिकों को, देश के कर्णधार जो भी हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि हमारी क्रियाओं का क्रियान्वयन किन मुद्दों की वजह से नहीं हो पा रहा है। घर से भागा हुआ बच्चा केवल बाल श्रम के अलावा कुछ नहीं करेगा, जो कि वास्तव में कहीं ना कहीं शिक्षा भी, चाहे उसको एनवायरनमेंट के माध्यम से, चाहे उसकी बैड कंपनी के माध्यम से, बाल श्रम को कहीं ना कहीं प्रेरित किया जाता है। तो बाल श्रम पूर्ण रूप से एक सामाजिक समस्या है। सरकार ने उसके समाधान के लिए, सरकार ने बहुत सारी इसके लिए नीतियां और प्रावधान किए हैं कि 14 वर्ष में हमें थोड़ा इंटरव्यू करना चाहूंगी। सिर्फ हम सरकार को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, और सिर्फ हम इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट्रीज में ही बच्चे काम कर रहे हैं? हम आम घरों में देखते हैं, एक बच्चा काम कर रहा है आपके घर में एज अ मेड सर्वेंट, सो वाई आर वी एम्प्लॉइंग देम? मेरा ये कहना है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे को एम्प्लॉय ना करें घर में। जब तक हम ऐसा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होगा। ठीक है किरण जी, किरण जी ने कहा कि जो केवल हम सरकार को दोषी न माने, दूसरा ये कि केवल उत्पादक या जो फैक्ट्री हैं
वहाँ पर ही बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आपके घरों में भी बच्चे काम कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं? यादव जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की नीतियाँ सरकार ने और नियम बनाए हैं कि इसको रोका जा सके। कौशिक जी, मैं पूरी तरह से सिंह जी की बातों से सहमत हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। आज से ही नहीं, बल्कि जब भारत का संविधान बना तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया, जिसमें अनुच्छेद 23 में कहा 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में लगाए जाने पर प्रतिबंध है। लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भी चाइल्ड लेबर जो है जगह जगह पाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए अन्य सारे जो कार्य किए हैं, जैसे बच्चों के शिक्षा का खर्च पेरेंट्स पर ना पड़े इसलिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में 86th अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा है, जिससे शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार मान लिया गया है। इतना ही नहीं, संविधान के भाग 4 में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है नागरिकों के, उसमें अब तक 10 कर्तव्य थे, लेकिन 11वां कर्तव्य यह जोड़ा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने 14 साल तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे हम उससे जो है कोर्ट में भी मामला ले जा सकते हैं। यदि हमारा शोषण हो रहा है इस तरह का, यदि हम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिए जाते हैं तो। लेकिन जरूरी यह है कि शिक्षा का विकास हो, जो सरकारी मशीनरी है, गैर सरकारी संगठन है और समाज, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक सब लोग मिलजुल करके काम नहीं करेंगे, जब तक सब लोग सिंसियर नहीं होंगे, तब तक जो यह अभिशाप है, यह कलंक है, जो बाल श्रम है, उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। जितने सारे सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ इसके लिए बनाई हैं, बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिससे कि बाल श्रम को पूर्णतः निषेध किया जा सके और जो बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए वे विद्यालय में ही रहें, वे हमें काम करते हुए घरों में, होटल्स में या फैक्ट्रियों में न दिखाई दें। इसके लिए एक ओर जहां सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में ईमानदारी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर जो इन नीतियों के निर्माता हैं उनके आचरण में भी इस प्रकार का आना ज़रूरी है कि वे चाहते हैं कि नीतियों को ईमानदारी से लागू किया जाए। साथ साथ जैसा कि किरण जी ने हमारे बीच में रखा और एच पी यादव जी और बी सिंह जी ने रखा कि जब तक समाज की सहभागिता इसके लिए नहीं मिल पाएगी और समाज अपने दायित्व को नहीं समझेगा, तब तक हम बाल श्रम की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते हैं। और अब तो सरकार ने भी हमारे मूल कर्तव्यों में इस कर्तव्य को भी जोड़ दिया है कि हमारा ये फर्ज बनता है कि जो बच्चे 14 वर्ष की उम्र तक के हैं उनको हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजें, न कि काम पर।